क्या होगा कार्तिक का फैसला, क्यों कार्तिक के लिए है ये फिल्म एक बोनस ऑफर। तो मेरे प्यारे दर्शक, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। किस्मत को हम अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो होती है एक ऐसी चाबी जिससे किसी एक इंसान की जिंदगी पल भर में बदल जाती है, जिससे एक इंसान को उसकी मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। अगर बात करी जाए कार्तिक आर्यन की, तो उनकी किस्मत के ताले भी आजकल काफी जल्दी जल्दी खुल रहे हैं, जिससे हम सबको ये देखने को मिल रहा है कि कैसे कार्तिक को एक के बाद एक अच्छे प्रोडक्शंस की मूवीज के ऑफर मिल रहे हैं। और देखा जाए तो हाल ही में उनकी रिलीज हुई मूवी भूल भुलैया 2 ने भी खूब प्रशंसा बटोरी है, जिसके कारण ही उस फिल्म के मेकर्स भूषण कुमार ने कार्तिक को इसके पार्ट 3 करने के लिए भी उसने ऑफर दे दिया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कार्तिक और भूषण कुमार के साथ साथ अभी और भी फिल्म्स के मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं, जिसके कारण ही उनकी स्टार वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। भूल भुलैया 3 में काम करने वाले सवाल पर जब कार्तिक से एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि वो कब इस फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे, जिससे कार्तिक का ये जवाब आता है कि वो जल्द से जल्द उनकी अपकमिंग मूवीज जैसे शहजादा और सत्य प्रेम की कथा पर काम करना खत्म करेंगे, वैसे ही वो भूल भुलैया पार्ट 3 की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। देखा जाए एक तरह से हम सबको ये लग रहा है कि भूल भुलैया 2 के तुरंत बाद तो कार्तिक इस फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आज ही हमें ये पता चला है कि कार्तिक आर्यन को अब हम सब आशिकी 3 में आशिकी करते हुए भी देखने वाले हैं। ये बात खुद कार्तिक ने अपने इंस्टा हैंडल से अपने फॉलोअर्स को एक पिक्चर शेयर करके बताई, जिसमें वो मुकेश भट्ट भूषण कुमार के साथ इस फिल्म में काम करने वाले हैं। तो अब तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि भूल भुलैया 3 को मेकर्स और खुद कार्तिक ने ही अभी थोड़ी देर के लिए पॉज पर रखा हुआ है, जिससे ऑब्वियसली फिल्म की पब्लिसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब जिस फिल्म में कार्तिक होंगे उसका तो हिट होना बनता ही है, फिर चाहे वो फिल्म आज बने या फिर कुछ साल बाद। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तो यही मानेंगे कि कार्तिक की वजह से ही भूल भुलैया 2 सीरीज को काफी पॉपुलैरिटी मिली है, जिसके कारण ही वो आज बॉलीवुड के यूथ आइकन सुपरस्टार बने हैं। उनकी मेहनत और लगन से सच में उनकी किस्मत का रुख निगेटिव से पॉजिटिव कर दिया है। क्या आशिकी 3 में कार्तिक का काम करना पड़ रहा है भूल भुलैया पार्ट 3 के मेकर्स को भारी? क्यों कर रहे हैं कार्तिक फिल्म को इग्नोर? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।